वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी सुबह सुबह होती है हमारे घर आ जाके गेस्ट, आई थिंक 9 का टाइम होगा जब ही आए थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बर्तन निकाल लेती हूँ, साथ में चाय मैंने रख दी थी। और जब मैंने ट्रे निकाला तो ट्रे छोटा पड़ गया, देखो। बट कोई नहीं, मेरे होते भी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, अभी एडजस्ट कर लेते हैं, बड़ा निकाल लेते हैं। लो, बड़ा निकल नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि अगर वो निकालते तो सब बहुत कुछ निकालना पड़ना था। कोई नहीं, इसे ही एडजस्ट करते हैं, हो जाएगा। मैं लोग इतने नहीं परेशान होना। हेलो जी, हो गया ना? बस चाय चाय एग लो जी, काम खत्म। अब चाय मैंने ज़्यादा ऐड कर दी है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा नहीं चाय डालते कप में, लेकिन ये ज़्यादा हो गई, मैंने थोड़ी सी निकाल के एडजस्ट कर लिया, तो ये मैंने रख दी। और जी अब सारे चाय पिए और मैं जब चाय ना पिए ये तो गलत बात है ना। तो फिर मैंने अपना मग लिया, मैंने भी चाय डाली। और इस इंडों को बंदर कैसे काट छीले, ये देखो क्या हालत है। कोई ट्रिक है तो बता दें, देसी इंडों को छीनी हुई तो क्या खिलाना हमारे को। हेलो, लो कितनी सियानी हूँ मैं, देख लो अपना भी कप एडजस्ट कर लिया मैंने, छोटे से ट्रे में सारी जगह बना लिया। अब इसका फूल बना लेते हैं। मैंने कहा क्या याद करेगी मेरी बहन, जब से उसकी शादी हुई मैं पहली दफ़ा उसकी इतनी छोटी सी खिदमत कर रही थी। तो फिर मैं नीचे गई, जाके मैंने टेबल पे रखा, चाय रखी। और फिर जी मुझे याद आया, अब्बा जी ने मुझे बोला कि बिस्किट पड़े हुए गाड़ी में, वो लेके आए थे। तो मैं गई, अपना ही मेहमान थे, भागी भागी गई और समझ नहीं आ रही थे कहाँ पर। गाड़ी साहिबा तो खुलने का नाम नहीं ले रही थी, पता नहीं क्या मसले थे इसे। और जी मैंने लिए बिस्किट, तब तक वो चाय पी चुके थे। मैं कोई गल नहीं, अपनी फिर उन्होंने चलेगा, ये मेहमान है हमारा छोटा सा। और ये क्यूट सी इसकी सिस्टर है हमारी नन्नी परी। बैंगल्स दिखा रही हो, बड़ी जियारो बनती तो आप, बड़ी शाह बनती हो आप, बड़ी शाह बनती हो। बैंगल दिखा रही हो हमें, हमें जेलिश कर रही हो आप, आप बड़ी खराब बेबी हो, मैं क्यूटी बेबी। और फिंगर्स बाहर निकालो, माउथ से बाहर निकाल, बाहर निकाल गगी, जो जो Oh, why are you crying? कितनी क्यूट हो आप तो। ओए बस चुप चुप चुप। और नैन डर गई। और ये क्यूट से इसका भाई आ रहा है, और माशाल्लाह से इतना क्यूट है ये, मतलब छोटे होते सुनते थे ना कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, तो लिटरली बच्चे फरिश्ते होते हैं। अभी समझ आती है कि क्यों कहते थे कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, ना कोई मन में मैल है, ना कोई दिल में बात है, नथिंग एल्स। और इसको इतनी मोहब्बत है अपनी बहन से, इतना प्यार करता है, इतना प्यार। बच्ची भी आ गई है। बेराम आप नीचे आ गए हो जने, आप तो मोगी देख रहे थे बाबा, आप तो मोगी देख रहे थे। नैन को अम्मा तो कर दो एक। मैं गागी भी उठा। तू नैन आपकी गागी, आपकी बहन ही नहीं है, छोटी सी अदी नहीं है आपकी। यार आपकी अदी है सुन, नैन नैन तो आपकी चुचकी मम्मा, इधर नहीं है स्टॉप है। तो आज मैं गई हुई थी अमरूद लेने, तो ये देखो एक परिंदे ने खा लिया और एक बच गया था। मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, चले आए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे अब्बा जी कितने शौकीन हैं पौधों के। ये देखो इतने पौधे लगाए मैं, मेरा बस नहीं चलता कि इन्हें मैं ना, मतलब कुछ लगता भी नहीं, आज तक कुछ खाया भी नहीं। ये अमरूद ही हैं जो चंद देख कभी ना कभी खा लें, बस शौक है, पौधे ही पौधे लगाए हैं।
और उसके बाद जो पपीते लगे हुए थे हमारे घर पे, तो मैं पपीता उतारने गई और जितने कच्चे पपीते थे वो तो सूखे थे। तो मेरी अम्मा के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, क्यों लान रही हैं कच्चे पपीते? तो मैं वो जो दो येलो वाले ना, ये जो भी ये गिरा है एक और है उसके, उसको उतारने के चक्कर में सारे ही उतार दिए। तो अभी शामत आएगी तो बस बेचारा इतना लंबा हो गया घर से भी बड़ा हो गया। इंसल्ट का टाइम शुरू होने वाला है। जो कच्चे पपीते हैं वो उतर गए हैं, ये चेक करो। आ लो, कच्चे वाले उतर गए हैं और पक्के वाले, मैंने इतने दिन से बोला हुआ था कि मैं ना आपको उतार देती। नहीं, जब ज़्यादा पक जाएंगे ना तब लेंगे। तो ये देखो पक्के वाले का हाल, ऊपर ही ख़राब हो गया, लेकिन जो जो कच्चे उतरे ना उसकी वजह से सख्ती आ रही है। वाह, मेरा मम्मी जी को देख के आओ बाबा, मम्मी जी ने खाना है। चलो मम्मी जी को देख के आओ। और यूँ ही करते करते हो गई रात, और रात को हमने मंगाई जलेबियाँ, साथ बनाई चाय, क्योंकि जलेबियाँ हमारे घर बहुत खाई जाती हैं। और उसके साथ ही जी ब्लॉक एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।